फिर तो इनके लिए गाना होना चाहिए एटिकेट। बिल्कुल बिल्कुल गाना मैं सुनाए करता हूँ अपनी वाइफ को ही। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत में सांसें मिली हैं, सदा रहना दिल के करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल लाइंस के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान असलान आरिफ। नाज़रीन, मियाँ बीवी में बहुत सी लड़ाइयाँ होती हैं और बीवी लड़ने के बाद चली जाती है महके, और शोहर लड़ने के बाद कहाँ जाता है? अगर आपको पता नहीं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि लड़के लड़ने के बाद कहाँ जाते हैं। हम यहाँ लोगों से जानते हैं कि शोहर की जब बीवी के साथ लड़ाई होती है तो वो कहाँ जाते हैं। चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक। आवाज़ आ लग रही है? भूख लगी रहती है ना मुझे हर टाइम। किन सोचा मैं अब? नहीं, भूख लगी रहती है ना तो मैं हर वक्त खाने का ही सोचते रहते हैं, मेरे दिमाग में पिज़्ज़ा बर्गर घूमते रहते हैं। अभी क्या घूम रहे? अभी भी वही पिज़्ज़ा बर्गर सेम। पिज़्ज़ा बर्गर खा के थकती नहीं आप? नहीं। क्यों? पेट ही नहीं भरता खा के, खाने के बाद मतलब दिल करता और खाऊं। अभी खा के यानी आप साथ में भूखी हैं? आ जाओ। हड़ताल वगैरह तो नहीं शुरू की हुई? नहीं, डाइटिंग भी करती है ना साथ साथ। अच्छा, डाइटिंग भी कर रही है? हाँ, दोनों काम साथ साथ। दोनों काम साथ साथ क्या करती हैं इसके अलावा? इसके अलावा मैं सोती हूँ, खाना खाती हूँ, सोती हूँ, मेकअप करती हूँ, नए अच्छे कपड़े पहनती हूँ, बस। यानी कि फुल वेली है? बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैरिड है? नहीं नहीं, सिंगल है। सिंगल। तो फिर घर में कोई शादीशुदा तो होगा? नहीं, सारे सिंगल हैं। हाँ, अम्मी अब्बू की भी शादी नहीं हुई? हाँ, उनकी तो क्या। तो फिर अच्छा मुझे ये बताएं कि जो मियाँ बीवी उनकी जब लड़ाई होती है, बीवी तो मैके चली जाती है लड़के, दोनों की लड़ाई में जब शादी मियाँ की होती है बीवी के साथ लड़ाई, तो शोहर कहाँ जाता है? शोहर अगर तो उसने अपनी मतलब गर्लफ्रेंड रखी है तो गर्लफ्रेंड के पास चला जाएगा। शादी के बाद भी गर्लफ्रेंड? दूसरी शादी के मनसूबे बनाएगा कि मैं किसी और से शादी कर लेता हूँ। अच्छा, लड़ने के बाद शादी के मनसूबे बनाना शुरू कर? बिल्कुल, हर मर्द का यही हाल है, पहली शादी करता है। और पहली बीवी जब शादी हो जाती है ना, शादी से पहले तो वो लड़की अच्छी लग रही है, जैसे ही शादी होती है वो औरत आवाज़ लगने लग जाती है और वो दूसरियों की तरफ भागना शुरू कर देता है। हर मर्द तो ऐसा नहीं होता? बिल्कुल ऐसे ही है, हर मर्द ही ऐसा है। हर मर्द सही है, दो शादियाँ करता है मर्द? हाँ जी बिल्कुल, अगर नहीं भी करता ना तो दूसरी की तरफ नजरें जरूर रखता है, दूसरी नहीं बल्कि कईयों की तरफ। आप तो काफी दुखी लग रही है मुझे। नहीं, मेरा ऐसा कोई सीन है, दुखी नहीं लग रही, लेकिन मैंने जो देखा है सोसाइटी को ऑब्जर्व किया उस वाले से मैं कह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कितने साल हो गए शादी को? हमारे तकरीबन 6 साल हो चुके हैं शादी को। 6 साल हो चुके, कैसी चल रही है मैरिड लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, ऐसा भी होता है मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ होती हैं कभी? होती है या नहीं? जी बिल्कुल, ये ज़िंदगी का हिस्सा, शादी हो और लड़ाई ना हो ऐसा हो सकता है भला? हाँ, तो आपकी वाइफ लड़के मैके चली जाती हैं? असल में उनका मेका भी क्योंकि हमारे साथ ही हैं तो ये ऐसा मौका नहीं आता है। अच्छा। तो ये कह लें कि मैं इस हवाले से खुशकिस्मत नहीं हूँ। अच्छा, बहुत दुखी हैं आप इस हवाले से? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो असल में वो साथ ही गा रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि वो नज़दीक ही रहते हैं हमारे। गई ना गई एक ही बराबर है, ये तो बात आपकी कहने वाली। चले एक फ़र्ज़ किया, मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, बीवी चल गई मैके, ठीक है, बीवी के लिए ऑप्शन है मैका, ठीक है, अगर शोहर की लड़ाई होती है बीवी के साथ तो शोहर कहाँ जाएगा? ये हम मैम से पूछेंगे, शोहर कहाँ जाएगा लड़के? वो लाहौर में आएंगे सैर करने, घूमने वगैरह के लिए। अच्छा, घूमने चले जाएंगे? हाँ जी। गुस्से में कौन घूमने जाता है? हस्बैंड ही जाते हैं। आप बताइए बाप कहाँ जाएंगे? ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि जब परेशानी हो जाती है, आप कोई और रास्ता नजर नहीं आता, क्योंकि हम बेसिकली लाहौर से बाहर रहते हैं, ओकाड़ा सिटी से हैं, तो डेफिनेटली हम फिर मैं जब लड़ाई हो जाती है तो लाहौर की तरफ मूव ऑन करता हूँ। अच्छा, तो वैसे ओकाड़ा से लाहौर की तरफ आप आया? जी बिल्कुल ऐसी। फ्रेंड गैदरिंग आप यहाँ पे? जी बिल्कुल ऐसी है, मैं बेसिकली पढ़ा यहाँ से हूँ। अच्छा। MSc यहीं से पंजाब यूनिवर्सिटी से की हुई है। अच्छा। तो दोस्त इधर ही रहते हैं तो इस वजह से फिर उसकी कैथारसिस करने के लिए, मूवीज देखने के लिए हम आ जाते हैं। अच्छा, 6 साल शादी को हो गए हैं तो सबसे अच्छी बात क्या लगती है वाइफ में? ये जब भी मुझे कोई गुस्सा आता है ना, ये उस बात को बर्दाश्त कर लेती हैं, सबसे अच्छी बात इनकी ये है। फिर तो इनके लिए गाना होना चाहिए एटिकेट। बिल्कुल बिल्कुल, गाना मैं सुनाए करता हूँ अपनी वाइफ को ही। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों
से तेरी मोहब्बत में सांसें मिली हैं, सदा रहना दिल के करीब होके मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों। आपकी तो आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है, आप कुछ अपने हस्बैंड के लिए कहना चाहेंगे? नहीं बस कुछ नहीं कहना, तो ताली ही बजा दे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? इमरान। इमरान, इमरान सर क्या करते हैं आप? मैं वकील हूँ। लॉयर, ग्रेट। ख्वाहिश थी ये बनने की या बनने की कुछ और शौक था? मियाँ ने कहा लॉयर बन जाओ। बस ये बड़ी स्टोरी है, ये अभी आपका शो, ये जो शो है ना इसमें वो थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, पूरी नहीं हो सकेगी। अच्छा, मैरिड है? हाँ मैरिड। अच्छा, आपको पता तो होगा फिर मियाँ बीवी में जब लड़ाई होती है तो बीवी लड़के मैके चली जाती है, तो जाती है नहीं? चली भी जाती है। हाँ, चली जाती है। तो जब शोहर की बीवी के साथ लड़ाई होती है तो शोहर कहाँ जाता है? शोहर दोस्तों के पास जाता है, और कहाँ जा सकता है? दोस्तों के पास जाता है, दोस्तों के पास चला जाता है, या फन मेकिंग करता है, मूवी देखने चला जाता है, खाना खाने चला जाता है, दोस्तों के मजे करता है। अच्छा, वो मजे क्यों करता है? उसे टेंशन नहीं होती कि मेरी बीवी से लड़ाई होगी? वो टेंशन अपनी जगह पे मौजूद होती है, लेकिन वो मजे करने का भी उसको टाइम मिल जाता है, क्योंकि बीवी बच्चों की मौजूदगी में वो इतने मजे नहीं कर पाता जितने वो अपनी उसकी गैर मौजूदगी में कर पाता। वो कहता है लड़ते पे हैं, कुछ ना किसी ने है नहीं, तो जान दो आज मजे तो कर लिए ना। फिर वो तो रिलैक्स फील करता है कि कोई घर में दूध लाना नहीं है, पत्ती नहीं लानी है, वो घर का सामान नहीं लाना है, रिलैक्स करके बाहर से खाता है, होटल से आराम से मजे करता है, दोस्तों में खाता है रात। आप कहाँ जाते हैं? मैं तो मस्जिद में चला जाता हूँ नमाज पढ़ने। दाढ़ी नहीं देखी आप? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह से। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सर। जी नाज़रीन, हमने आपकी मुलाकात करी मुख्तलिफ लोगों से। किसी ने कहा हम लड़के जो नाराज़ होकर वॉशरूम में चले जाते हैं, किसी ने कहा कि अपने पहली एक्स के पास चले जाते हैं, किसी ने कहा सिगरेट पीने चला जाता है। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपने मेज़बान अरसलान अरिफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।